से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां गिट्टी लदा ट्रक अनियंत्रित होकर कार पर पलट गई, जिसमें एक पुलिस परिवार की दर्दनाक मौत हो गई है। एक 8 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की। घटना दुर्गावती थाना इलाके के खामी दौरा मोड़ के पास NH2 की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में पुलिस जवान पिंटू कुमार सिंह, पत्नी काजल सिंह एवं पुत्र रेहान की मौत हो गई है, जबकि 8 वर्षीय पुत्री श्रेया कुमारी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। सभी लोग गया जिले के गुरारू थाना के डीहा गांव के बताए जा रहे हैं। सभी लोग अपनी कार से मथुरा से गया आ रहे थे कि रास्ते में दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस ट्रक के पीछे से आ रहे थे सारे, पीछे साइड से आ रहे थे, तो अचानक देखे कि गाड़ी दाहिने साइड गए, ओवरलोड गिट्टी लेकर के और गिर गया। तो ये नहीं दिखाई दिया कि उसके नीचे कार है या कुछ है। जैसे गाड़ी गिरा, मेरा बाइक यहाँ पे पहुँचा और ये लोग अपना हल्ला गुल्ला करने लगे, घर वाले लोग। हमने भी बाइक साइड में खड़ा करके रोका तो देखा कि उसके अंदर गाड़ी चप गया है। चपने के बाद में ये लोग ड्राइवर और खलासी निकल के भाग रहे थे, उन लोगों ने पकड़ने की कोशिश किया, उसके बाद गाड़ी में तुरंत आग पकड़ लिया। यहाँ से सहायता मिला पानी का, और पानी डाल करके वो लोग उसी टाइम से 1 घंटे से कम पानी डाल करके और ये लोग बचाने का कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद आधा 15-20 मिनट के बाद राहत कार्य, एम्बुलेंस सब लोग आया है। हाँ, पूरा चप गया था ट्रक के नीचे सर। पीछे से थे, मतलब बहुत लोग इकट्ठे हुए, जितना हमको जानकारी मिला, देखे हम उतना बता। मेरा नाम मुकेश शर्मा पड़ेगा, हम बिहार से हैं, डेहरी ओन सोन से सर। हम अभी मुगलसराय से निकल रहे थे डेहरी के लिए। जो गिट्टी लोड किए हुए था, जा रहा था मुगलसराय से गया की ओर जा रहा था, उसी के नीचे एक गाड़ी जो है तो दबी हुई थी। अभी हम लोग तत्काल गाड़ी को निकाले हैं, इसमें से 3 आदमी निकाला गया है, जिसे थाना अध्यक्ष के द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, और वे स्वयं भी उसमें लगे हुए हैं उन लोगों को स्वास्थ्य के लिए। और कुछ जानकारी नहीं है कि ये लोग कौन है, कहाँ के हैं। अभी उन लोगों का सभी कुछ आईडी कार्ड वगैरह बरामद हुआ है, इसे विशेष डिटेल आपको बता देते हैं। अभी हम लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं, लोग घायल हैं, वो हॉस्पिटल के।